चैनल अनुज स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में 10th और 12th के जो भी छात्र इस बार एग्जाम दिए थे वैसे छात्रों के लिए कुछ खास नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड द्वारा आया है जो रिजल्ट से संबंधित है। किस तरह से आपको रिजल्ट होगा, कब तक कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और कब तक आपका चलेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। कब तक रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इस वीडियो में अगर अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होगा। और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर ले ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को यूजफुल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड लगातार कॉपियों को मूल्यांकन के लेकर बहुत ही सतर्क है और रिजल्ट जो है बहुत ही पहले जारी करने की यहां पर लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर कॉपियों को मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षकों भी बहुत सारे शिक्षक धारने पर है। उस स्थिति में आप लोग को जो भी शिक्षक कॉपियों को मूल्यांकन में आप लोग की नहीं योगदान दे रहे वैसे शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज का न्यूज़ में आप लोग को बताया गया कि इंटर के मूल्यांकन में सैकड़ों शिक्षक अभी भी बाहर। कॉपियों के मूल्यांकन का आज तीसरा दिन था। तीसरे दिन में 1200 में 839 परीक्षक ने किया ज्वाइनिंग, यानी आपको 1200 में 839 शिक्षक यहां पर कॉपियों के मूल्यांकन में आप लोग को योगदान दे रहे हैं। फिर भी इसमें आप लोग को 70 शिक्षक पर होगी FIR दर्ज, यानी कॉपियों को मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षक पर आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड द्वारा सख्त उस पर FIR दर्ज करने की आप लोग को यहाँ पर कह दिया गया है कि FIR दर्ज करेगा ताकि कॉपियों का मूल्यांकन आपको सही तरीके से हो और जल्दी हो ताकि आपका रिजल्ट जो है समय पर दिया जाए। इसके लिए बिहार बोर्ड लगातार नियंत्रण में है कि ताकि आपको रिजल्ट बेहतर हो और कॉपियों का मूल्यांकन सही ढंग से हो। तो चलिए आज मैं मैट्रिक के परीक्षा की प्रक्रिया मूल्यांकन के कार्य में बाधित करने वाले फीस से 70 शिक्षक पर FIR दर्ज की अनुशंसा की गई है। पटना जिला के शिक्षा पदाधिकारी नियोजन इकाई ने इन शिक्षकों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। ये शिक्षक जिला के अलग अलग नियोजन इकाई के हैं। इन शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य को बहिष्कार करने के आरोप है। इन शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य के नियुक्त पत्र जारी कर चुका है, इसके बावजूद भी शिक्षक योगदान नहीं दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त पत्र जारी कर दिया है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कॉपियों के मूल्यांकन में यहाँ पर भाग नहीं ले रहे हैं। तो वैसे शिक्षक पर सख्त FIR दर्ज किया जाएगा क्योंकि कॉपियों का मूल्यांकन सही तरीके से और सही समय पर हो ताकि रिजल्ट है मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जो बहुत ही पहले जारी किया जाए। और इस बार भी लगातार बिहार बोर्ड आप लोग को प्रयास में है कि आप लोग को रिजल्ट जो है बहुत ही पहले जारी किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पटना जिला के शिक्षा कार्यालय मानो तो पटना जिले के इंटर के मूल्यांकन के केंद्र 7 बनाए गए हैं। हर केंद्र पर 10 शिक्षक से संबंधित थाने में प्राथमिक दर्ज करने का अनुशंसा DIG परमार ने है। ज्ञात है कि इंटर की मूल्यांकन 26 फरवरी से शुरू हो चुका है। पटना जिला में 1200 शिक्षक मूल्यांकन में लगे हैं। इनके अलावा मात्र 839 शिक्षकों ने योगदान दे रहे हैं, यानी जैसा कि आप लोगों इंटर की कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया यहाँ 26 फरवरी से आप लोग को स्टार्ट हो चुका था, जिसमें आप लोग को 1200 शिक्षक जो थे कॉपियों को मूल्यांकन में यहाँ पर भाग लेना था, जिनमें आप लोग को 839 शिक्षक की कॉपियों को मूल्यांकन में भाग ले रहे हैं। ऐसे में जो भी शिक्षक आपको 350 शिक्षक जो है कॉपियों को मूल्यांकन में आप भाग नहीं ले रहे हैं तो वैसे शिक्षक पर FIR दर्ज किया जाएगा। यह बिहार बोर्ड द्वारा सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। जो भी शिक्षक आप लोग की कॉपियों के मूल्यांकन में आप लोग को बहिष्कार किए हैं वैसे शिक्षक पर अगर अभी तक अगर शिक्षक कॉपियों को मूल्यांकन में भाग नहीं लेते हैं तो वैसे शिक्षक पर आपको FIR दर्ज किया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट है जो बहुत ही पहले जारी किया जाए और अच्छे से मूल्यांकन हो ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था आप लोगों के लिए, जान लेना बेहद ही जरूरी था। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।